हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल पढ़ाकू लोग। जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, इसी थॉट के साथ ये पर्टिकुलर चैनल स्टार्ट हुआ है। और आज हम इस चैनल में एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, सो बहुत लोगों ने इस वर्ड को सुना तो ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़ में कहीं ना कहीं आता जाता रहता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता। तो इस वीडियो में ना सिर्फ हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि हम ये भी पढ़ेंगे कि ये कितने स्टेजेस में होता है और एग्जैक्टली कैसे इट टेक्स प्लेस। सो हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि आपको ये पूरी जानकारी एक ही वीडियो से मिल जाए। एज यू नो, हम बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, हम बहुत ही प्रिसाइज वे में वीडियोज़ बनाते हैं कि कॉन्सेप्ट आप तक कंप्लीट वे में पहुंच भी जाए, एट द सेम टाइम आपका टाइम भी वेस्ट ना हो बार बार स्किप करने में। सो इट्स बेटर कि कम बात करें लेकिन ढंग की बात करें। तो वही आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, सबसे पहले एक वर्ड पकड़ते हैं, दैट इज लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज लॉन्ड्रिंग? जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम क्या कराते हैं, उनकी लॉन्ड्रिंग करवाते हैं, उनको धुलवाते हैं, साफ कराते हैं, राइट? तो ऐसे ही कुछ पैसे होते हैं जो गंदे होते हैं, मतलब पैसा गंदा नहीं होता, वो जिस जरिए से कमाए जाते हैं वो जरिया गंदा होता है। फर से कोई टेररिज्म की वजह से पैसे कमा पा रहा है, ऑब्वियसली गलत पैसा है, पैसा तो वही है जो नॉर्मल लोगों के पास भी होगा, लेकिन उसको कमाने का तरीका गलत है, ठीक है? तो जैसे गंदे कपड़ों को हमें धोना पड़ता है, वैसे ही गंदे पैसे को हमें साफ बनाना पड़ता है, और उस प्रोसेस को जिससे हम गंदे पैसे को साफ बनाते हैं वो होती है मनी लॉन्ड्रिंग। कहने का सिर्फ मतलब इतना सा है, इफ़ आई एम अ पर्सन जिसके पास बहुत सारा ब्राइब का पैसा है, टेररिस्ट की हेल्प करके मैंने कुछ पैसा कमाया है, देन इन दैट सिनेरियो मुझे अगर वो नॉर्मल इकोनॉमी में लगाना है तो मुझे उसे सफ़ेद करके लगाना पड़ेगा, ब्लैक मनी से मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वाइट मनी में, जिसके लिए मुझे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस को रेफर करना पड़ेगा। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज नथिंग, जस्ट जो आपने गलत मीन से पैसा कमाया है उसको साफ मीन करके अलग से पैसा वो कन्वर्ट कर करके अपनी इकोनॉमी में वापस से लगाना इज व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग अपीयर टू हैव कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। ऐसी कोशिश करना कि गलत जगह से आया हुआ पैसा सही जगह से आया हुआ पैसा लगे। देन दे से मनी लॉन्ड्रिंग इज अ क्राइम इन इटसेल्फ। ये बोलते हैं सिर्फ गलत जरिए से पैसा कमाना क्राइम नहीं होता, इवन इफ यू आर डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग वो भी अपने आप में क्राइम है, तो आपको एक क्रिमिनल ही समझा जाएगा अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होंगे तो। अब हम बात करते हैं इसके स्टेजेस के बारे में कि कैसे एग्जैक्टली मनी लॉन्डर किया जाता है, कैसे गलत पैसे को सही पैसा दिखाया जाता है। उससे पहले हम ये पर्टिकुलर डायग्राम देख लेते हैं जिसमें हमने एक छोटा सा बंदा लिया है जो बोल रहा है आई हैव अ लॉट ऑफ ब्राइब मनी, और दूसरा इंसान उसे क्या बोल रहा है आई विल हेल्प यू लॉन्डर दैट। अब ऐसे सिनेरियो में जो इंसान अपनी ब्लैक मनी को लॉन्डर कर रहा है, करवा रहा है, वो तो क्रिमिनल है ही है, एट द सेम टाइम जो इंसान आपकी हेल्प कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में वो भी क्रिमिनल ही कंसिडर किया जाएगा। पढ़ते हैं ना हम ऑफेंसेस में, एक ऑफेंस करने वाला इंसान ही क्रिमिनल नहीं होता, उसकी मदद करने वाले के ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस ही लगते हैं। तो और यहाँ पे यू कैन सी दिस इमेज जिसमें हमने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसमें पैसा धुल रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग इज नथिंग जस्ट गंदे पैसे को साफ करना, तो यहाँ से काफ़ी इम्प्लाइड हो जाती हैं चीज़ें। अब हम बात करते हैं इसके स्टेजेस के बारे में कि कितने स्टेज में हम मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है प्लेसमेंट, फिर है लेयरिंग, और तीसरा है इंटीग्रेशन। एज यू कैन सी तीनों यहां पे गिवन है, फर्स्ट हमारा है प्लेसमेंट, सेकंड है लेयरिंग, और थर्ड है इंटीग्रेशन। इन शॉर्ट तीन स्टेजेस लगती हैं किसी भी पैसे को गलत से आया हुआ सही दिखाना। प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट में हम बहुत सारा पैसा लेते हैं जो हमने गलत जरिए से कमाया है, उसे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में डाल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गलत पैसे को हम पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारा पैसा हमने लिया, उसको डिपॉजिट्स के रूप में हमने क्या कर दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जमा करवा दिया। अब आती है हमारी सेकेंड बात, दैट इज़ लेयरिंग।
लेयरिंग मतलब लेयर्स चढ़ाना. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेयरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी फ्रॉम देयर ओरिजिन थ्रू द यूज ऑफ मेनी डिफरेंट टेक्निक्स टू लेयर द फंड्स. मैंने अभी फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, जो मेरे पास ब्लैक मनी था वो कहीं ना कहीं लगाया, ठीक है, कहीं ना कहीं लगाया एज इन बैंक डिपॉजिट्स में लगाया. अब मैं इनको इतना घुमाऊंगी, यहाँ से पैसा वहाँ ट्रांसफर करूंगी, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और इतना घुमाने के बाद ऐसे घुमाऊंगी कि पता ही ना चले इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब कहाँ से इसकी बिगिनिंग हुई है. आप कोई पता ही ना लगा पाओ कि इतनी ट्रांजैक्शन कर देना. देखिए, कोई भी चेक करता है, पिछली 3-4 ट्रांजैक्शन चेक करता है कि कहाँ से हुआ, कहाँ से होगा. 1,000-2,000 ट्रांजैक्शन तो नहीं चेक करता. आप यहाँ पे पहले पैसा बैंक में सबमिट कर देते हैं, उसके बाद उसे इतना घुमाते हैं यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करके कि आपको उसका ओरिजिन ही नहीं समझ में आता कि कहाँ से हुआ है एग्जैक्टली. तो ये होती है हमारी सेकेंड स्टेज, दैट इज लेयरिंग. फिर आती है हमारी फाइनल स्टेज, दैट इज इंटीग्रेशन. अब क्योंकि ब्लैक मनी का ओरिजिन ही नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे उसकी बिगनिंग हुई थी, तो अब काइंड ऑफ हम इसे बोल सकते हैं कि अब हम इसे शांति से किसी भी पीसफुल वे में किसी भी जगह लगा सकते हैं, किसी राइट मीन्स में लगा सकते हैं. तो वापस से उस ब्लैक मनी को कहाँ पे लेके आना, हमारी नॉर्मल इकोनॉमी में लेके आना, ऐसे दिखाना कि लेजिटिमेट एरियाज में हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग का थर्ड स्टेप, दैट इज इंटीग्रेशन. सो शॉर्ट में समझे तो क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, क्या है गंदे पैसे को साफ करना, ठीक है. कैसे किया जाता है, पहले वो जो गंदा पैसा है उसे लाइए, डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में रखिए, फिर वहाँ से उसकी ट्रांजैक्शन कराइए, इतनी ट्रांजैक्शन कराइए कि ओरिजिन ही ना पता चले कि कहाँ से आई थी ये चीज़. और जब इतना सब कुछ हो जाए कि किसी को ओरिजिन तक पहुँचने का कोई जरिया ना मिले, तो उस पैसे को वापस से इकोनॉमी में लगा दीजिए, वापस से इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर दीजिए. इस तरह से हम ब्लैक मनी को बड़ी ही आसानी से लॉन्डर करके दोबारा से इकोनॉमी में ले आते हैं. पर क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करना भी अपने आप में एक क्राइम होता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. यूजुअली ये वो लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्राइब लेते हैं, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के लोगों से ब्राइब मांगते हैं, या फिर जो टेररिस्ट से कनेक्टेड होते हैं. कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं जो पार्टी के नाम पे बहुत सारे फंड्स कलेक्ट करते हैं, जो बहुत सारे बिजनेसमैन्स को यू नो मैनिपुलेट करके उनसे फंड्स लेके आते हैं. तो ये यूजुअली उनके द्वारा ही यूज़ किया जाता है. बट इन शॉर्ट बोला जाए तो ये गलत चीज़ है. पहले तो गलत जरिए से पैसा कमाना ही गलत बात है, और दूसरा उसे फिर सही बनाना और भी गलत चीज़ है. तो ये दोनों ही नहीं करनी चाहिए. तो आई होप आपको मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आया होगा. विद दैट आई होप आपको इसके स्टेजेस भी समझ में आए होंगे. हमें इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. रीजन बीइंग, हमारे अराउंड क्या चल रहा है वो तो हमें पता होना चाहिए ना. पॉलिटिशियंस हमारे पैसे का क्या कर रहे हैं, किस वे में उसे मैनिपुलेट करके कहां से क्या ला रहे हैं, सब कुछ चीजें पता होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग एवरी पॉलिटिशियन इज अ बैड पॉलिटिशियन, बट मेनी आर. जिसके हाथ में भी पार जाती है कहीं ना कहीं वो करप्ट हो ही जाता है. ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है. तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद दिस नोट कि ये चीज़ गलत है, नहीं करनी चाहिए. बेटर अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा करियर अचीव करो, और कुछ भला करो देश का, और अच्छे वे में करो, किसी की बुराइयां लेके मत करो. That's it for this video. Thank you so much for watching. अगर कोई भी doubt है तो आप हमें नीचे दिए गए email ID पे या फिर WhatsApp पे या फिर even comments में ही बता सकते हैं. बल्कि अगर आपको notes चाहिए तो आप हमें social media accounts पे follow कर सकते हैं. We are on Instagram, we are on Facebook. दोनों का link I'm providing in the description box. तो वहाँ से आप हमें follow कीजिए और notes free of cost ले जाइए. Thank you so much for watching.